Okay. फाइन, तो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से. हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने वर्ल्ड क्लाइमेट कर लिया था, इसके बाद प्लेट्यू प्लेन्स हो गए थे, ओके. निको नहीं है ना, उसका बोल कैन था. ठीक है, तो अंजलि मैम, ठीक है, अंजलि मैम से शुरू करते हैं. इनका टॉपिक था माउंटेन. ओके सर. ओके मैम. हाँ बताइए. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर तो आज मेरा टॉपिक है माउंटेन. अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस. जो भी अपने जो भी एलिवेशंस हैं उसको अपन माउंटेन कहते हैं. जो भी ग्राउंड सरफेस से ऊपर जो भी अपने को दिखते हैं उसमें. तो और माउंटेन्स के तीन टाइप्स होते हैं. ये आवाज मुझे ही नहीं आ रही है कि किसी को भी नहीं आ रही है? एक तरीके से नहीं आ रही है. अच्छा मैम, बीच में ना आवाज चली गई थी जी, एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए. हेलो सर, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. हाँ तो मैं है ना टाइप्स ऑफ माउंटेन बता रही थी. तो इसमें सबसे पहला था अपना फोल्ड माउंटेन. तो फोल्ड माउंटेन बनने के लिए अपने पास में क्या होता है, जैसे दो प्लेट्स जो रहती हैं अपनी, वो एक दूसरे से ऊपर मिल करके वो इस तरीके से एक डोम शेप फॉर्म करना चालू कर देती हैं एक दूसरे से जुड़ के. तो इस तरीके से हमारा एक ये फोल्ड माउंटेन बन जाता है. और फिर आता है अपना ब्लॉक माउंटेन. तो ब्लॉक माउंटेन में ये फॉल्टिंग से ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होता है. तो इसमें क्या रहता है कि जो प्लेट्स हैं ये इस तरीके से कोई एक ऊपर जा सकती है और एक ऊपर नीचे चली जाती है. तो एक जो ऊपर जाती है उसको अपन बोलते हैं होस्ट, और जो नीचे चली जाती है उसको गार्बन बोलते हैं अपन. तो इस तरीके से ये जो माउंटेन है ऊपर नीचे जाने की वजह से ये जगह बन जाती है और इस तरीके से एक माउंटेन फॉर्म हो जाता है, जैसे कि हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं. देन आता है अपना वोल्केनिक माउंटेन. तो वोल्केनिक माउंटेन जैसे सिंपल वोल्केनोस होते हैं उसी तो उन्हीं को अपन वोल्केनिक माउंटेन भी कहते हैं. जैसे इसमें जो मैग्मा है ये ऊपर आता चला जाता है और इस तरीके से जो लावा है ये बाहर आने के बाद में जैसे ये सूखता चला जाता है तो ये अपना एरिया बढ़ाता चला जाता है और इस तरीके से माउंटेन फॉर्म हो जाता है इसका. देन इसके बाद यहाँ पे है मैंने कुछ फोल्ड माउंटेन कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, वो उसकी मैंने पिक्चर डाल रखी है. तो सबसे पहले अपना है नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन रेंज, ये फोल्ड माउंटेन रेंज का एक प्रकार है. फिर एंडीज है साउथ अमेरिका में. देन यहाँ पर है प्रेनीस यूरोप में. एल्प्स हैं यूरोप्स के. और कोकेशियस माउंटेन है
यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे ये रशिया वाला पार्ट आ जाता है कोकेशियस के लिए, और देन अपने हिमालयस भी हैं जो कि इसमें आते हैं फोल्ड माउंटेन में, देन एटलस माउंटेन, देन हाँ बस इतने ही हैं जो कि ये मेजर फोल्ड माउंटेन इन्हीं रेंजेस में अपने को मिलते हैं। इसमें कुछ यहाँ पर भी हैं फोल्ड माउंटेन्स, एंड देन यहाँ पर मैंने वोल्केनिक माउंटेन जो भी अपने इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने डाल रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी रिंग ऑफ फायर है इसके आगे यहाँ पर जो है सबसे पहले तो माउंट फूजी है, फिर माउंट कटमाई है अलास्का का, फिर माउंट किलाऊ है हवाई का, और माउना लाऊ है हवाई का। ये इसमें आते हैं वोल्केनिक माउंटेन। मैम साउंड नहीं आ रहा है शायद मुझे। काम नहीं आ रहा। नेटवर्क इशू होगा सर। में आ जाते हैं तो एशिया में इंडिया में आता है सबसे पहले माउंट बैरन, बैरन आइलैंड जो है अपना वो, देन म्यांमार का है माउंट पॉम्स, एंड देन इसके इंडोनेशिया में माउंट सुमेरु, देन इंडोनेशिया का है माउंट सुमात्रा एंड माउंट मेरापी एंड करकाटा, ये है इंडोनेशिया के वोल्केनिक माउंटेन। देन फिलिप हेलो, यस मैम, यस मैम। आवाज आ रही है ना? जी हाँ आ रही है। कोई वो एकदम से वो रिपीट हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया इसलिए। नहीं कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए, परफेक्ट आ रहा है, बताइए। ओके सर। देन यहाँ पर एक माउंटेन छूट गया था एक, नहीं ये तो हो गए सारे। फिर उसके बाद में ये मैंने ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से हैं ये मैंने देख रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका में है सेरा नेवाडा माउंटेन जो कि नेवाडा प्रोविंस में है यहाँ पे, और यहाँ पे यूरोप में आते हैं हर्स माउंटेन, राइन वैली एंड वोगस माउंटेन फ्रांस में। तो ये यूरोप के ब्लॉक माउंटेन है। देन इंडिया में तो हमें पता ही है कि विंध्या माउंटेन रेंज और सतपुरा माउंटेन रेंज अपनी ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। देन अफ्रीका में है सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये पूरी वैली ही ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। देन इंडिया में अलग अलग तरीके के माउंटेन के जो टाइप्स हैं, सबसे पहले आ जाता है अपना फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन का टाइप है अपना हिमालय। देन रेसिडुअल माउंटेन्स होते हैं जिनका टाइप है अपना नीलगिरी माउंटेन्स हैं अपने, गिरनार और राजमहल से। एक सेकेंड सर, सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं। देन ब्लॉक माउंटेन तो मैंने अभी आपको बताए थे सतपुरा एंड विंध्यालय। उसके बाद में आता है वोल्केनो माउंटेन,
तो इसमें बैरन आइलैंड जाता है अंडमान सी में, देन डोम माउंटेन का एग्जाम्पल है। मैम आवाज आवाज चली गई, थोड़ा देर रुक जाइए। सर हाँ जी, सर ये डोम माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन एक्सप्लेन कर दो। देखिए रेजिडुअल माउंटेन वो माउंटेन है जो कि जो धीरे धीरे ना खत्म हो रहे हैं, जिनके रेजिड्यू बचे हुए हैं, ऐसा समझिए। जैसे हम कहते हैं कि विंध्याचल रेंज है ना, विंध्याचल रेंज कहाँ है, राजस्थान में। वो विंध्याचल रेंज ना एक टाइम ऐसा था जब हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन हिमालय क्या कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। और विंध्याचल बोल रहा हूँ, अरे अरावली, ये जो है ना अपनी दिल्ली और राजस्थान वाली यस है ना। हाँ तो वो तो जो अरावली है वो इस तरीके से बहुत ऊंची हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम पर वो सिर्फ रेजिडू बचा है उसका। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर ओके और क्या पूछा था आपने। देखिए डोम माउंटेन डोम माउंटेन में क्या होता है कि जैसे जमीन के नीचे ना कहीं पर लावा फंसकर वो हो गया, मतलब हार्ड हो गया, यस, उसके आसपास सॉफ्ट मिट्टी है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इरोजन की वजह से, इरोजन किस वजह से होता है, एयर की वजह से, वाटर की वजह से। तो इरोजनल एक्टिविटी की वजह से आसपास की मिट्टी तो हट जाती है ना, लेकिन वो जो हार्ड उसके नीचे रॉक दबा होता है, वो रॉक उभर कर ऊपर आ जाता है, वो डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसे कहते हैं डोम लाइक माउंटेन। ओके ओके सर गुड ओके आफ्टरनून, सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट कोई बात नहीं। हाँ जी सर। तो ये जो माउंटेन्स हैं इनके हाँ मतलब डेफिनेशन और मतलब सारा पढ़ना पड़ेगा या हम ओनली एग्जांपल बस नहीं मतलब नहीं ये लर्न सिर्फ करेंगे? एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। जैसे वो पूछ सकता है कि हिमालय किस तरीके का माउंटेन है, तो आपको ये पता होना जी चाहिए कि ये फोल्ड माउंटेन है ना, या तो फिर ये, या फिर इंडिया में कौन सा वोल्केनिक माउंटेन है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, इंडिया में ये वोल्केनिक माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है, ये रेजिडुअल माउंटेन है। अब अगर मैं पूछूँ कि रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है इंडिया में, बताओ। अरावली अरावली, यस। तो यही चीज़ आ जाएगी क्वेश्चन में कि अरावली किस टाइप का माउंटेन है। इतना ही है, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो बिल्कुल ऐसा सर है ना, प्रोसेस में घुसकर वो ऐसा पूछे, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे हिस्ट्री में या तो स्टेटमेंट वाइज सवाल आते हैं या पॉलिटी में, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर हम एग्जांपल बस याद कर लें तो वो काफी रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी रहेगा, बाकी अगर स्टेटमेंट वो पूछेगा ना, तो स्टेटमेंट में पता है वो कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट में वो कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे प्लेट टेक्टोनिक पूछ लेगा, या फिर अगर साइक्लोन, कल हमने साइक्लोन पढ़े थे, तो ये बताइए कि जिस समय ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ जाती है या हॉट एयर नीचे की तरफ जाती है, कल हमने डिस्कस किया था, कोल्ड एयर कोल्ड एयर नीचे की तरफ कोल्ड जाती है। एयर तो ये स्टेटमेंट में कोल्ड दे एयर देगा कि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन में जो फ्रंट बनता है तो कोल्ड फ्रंट ऊपर की तरफ बनता है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ओके सर इस तरीके से आई थिंक कि अंजलि मैम का डिस्कनेक्ट हो गया है। अब ये बताइए कि ठीक है, अमृतेन निकल प्लेटू और हाँ जी सर अपने करियर को मैम करंट अफेयर्स में वो वॉल्केनिक माउंटेन्स थोड़े बताए थे, जैसे एक तो हवाई महल वाला, ऐसे दो तीन और थे ना सर। नहीं, वो वोल्केनिक माउंटेन नहीं थे मैम, वो ना वोल्केनोस थे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि मतलब जस्ट मैंने क्या किया था कि आपके दिमाग में ये रहे कि वो किस जगह, क्योंकि जो रिसेंट में वोल्केनिक इरप्शन होते हैं ना, वोल्केनिक इरप्शन का कैसा रहता है कि अगर वो न्यूज़ में है तो वो आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये किस एरिया में, ठीक है। तो वो बस उस तरीके से याद रखना है, और कुछ नहीं। अच्छा हमें एक बात बताइए, अंजलि मैम का शायद जस्ट अ मिनट ओके, अंजलि मैम का शायद नेटवर्क इशू है, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है। कल प्लेट्यूज एंड प्लेन्स ये अमृतेन ने कर लिया था है ना। सर
मेरा टॉपिक था लेक्स एंड ग्लेशियर. सॉरी, आई वाज अनेबल टू जॉइन यस्टरडे बिकॉज ऑफ सम वर्क. कोई बात नहीं. तो अभी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लेक्स एंड ग्लेशियर, यस, अनुगता, ये टॉपिक बचा हुआ था फर्स्ट वाले में. तो मेजर फिजिकल फीचर जो थे हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के, इसमें अंजलि मैम वापस से जब कनेक्ट करेंगे ना, तो हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे. तब तक अनु, आप लेक्स एंड ग्लेशियर स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. यस सर. ओके, स्टार्ट करिए. लेक्स होते हैं वो ओशन का एक पार्ट रहते हैं, जो कि ओशन से अलग हो गए होते हैं. उनको पहले पहले एरा में रिवर्स भी बोला जाता था, बट द डिफरेंस इज कि जो अलग होते हैं, रिवर्स फ्लो करती रहती है और लेक्स एक जगह लाइक स्थिर रहते हैं. कौन स्थिर रहते हैं? सो पहला जो है वो लेक बंगाल है एशिया का. हम इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं, लाइक साइबेरिया में रशिया का, साइबेरिया में बी आता है, लेक बंगाल है. ये एक तो क्लियरेस्ट वाटर है, टॉप क्लियरेस्ट वाटर है, एंड सेकंड इस गहरा है, मतलब लाइक डीपेस्ट लेक भी है. सेकेंड कैस्पियन सी, यू ऑल नो वेरी वेल दैट कैस्पियन सी एक लेक है. सी मतलब कैस्पियन सी नहीं है, बस एक लेक है. एंड इट इज वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट लेक है और थर्ड डीपेस्ट लेक है. सेकेंड इज अगर अफ्रीका में आए तो पहला है वैन लेक टर्की. ये सबसे ज्यादा इसकी सेलाइन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. फिर है डेड सी की वही है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें चीजें डूबती नहीं है, फ्लोट करती रहती है. डेट इज वाई इट इज नेम्ड एज डेड सी. फिर है लेक विक्टोरिया, ये भी अफ्रीका में ही है. इट इज फेमस बिकॉज नाइल रिवर इसमें से ओरिजिनेट होती है. देन इस लेक तनकानिया का, ये कीनिया युगांडा की साइड है और ये अफ्रीका का सबसे ओल्डेस्ट लेक है एंड सेकंड डीपेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड का. जो सेकंड डीपेस्ट है, थर्ड कैस्पियन सी है, फर्स्ट आई गेस शायद लेक बंगाल है डीपेस्ट में. आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, बट सेकंड कैस्पियन सी है, फर्स्ट डीपेस्ट है लेक बंगाल, सेकंड डीपेस्ट है ये कैस्पियन सी, थर्ड डीपेस्ट है ये लेक तनकानिया का. देन अमेरिका में आए तो पहला है टिटकोए लेक, जो कि माउंट एंडेस में है. सेकंड इज लेक मरकुबा, जो कि फेमस है पेट्रोलियम के लिए. नॉर्थ अमेरिका में तो ग्रेट सॉल्ट लेक एंड बाकी तो ये होम्स वाले हैं ही, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो सबसे ज्यादा बड़ा है लेक सुपीरियर. देन ग्रेट बियर लेक, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है. बियर स्लेव, लाइक बियर को हमने स्लेव बना लिया, वी कैन रिलेट लाइक दिस ना नॉर्थ अमेरिका में. देन जो अब हम देखते हैं ना इसको लाइक कैटेगरी वाइज, सर इंडियन के मैंने अभी इसलिए कवर नहीं किया है क्योंकि बाद में वो इंडियन का जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो उसमें कवर हो जाएंगे. कोई बात नहीं मैम, आपने बहुत प्यारा कवर किया है वर्ल्ड का. हम इंडिया में जब आएंगे तब उसका कवर कर लेंगे. आप बताइए नेक्स्ट. अगर लाइक अब कैटेगराइज हम करें तो सॉल्ट वाटर के जो लेक्स है वो सबसे बड़ी है वो डेड सी है. सेकेंड इज ग्रेट सॉल्ट लेक, जो की यूएसए में है, एंड डेड सी अफ्रीका में है. फिर ग्लेशियल में आए, ग्लेशियल लेक्स में तो मैलिग्न लेक्स मैलिग्न लेक है, जो कि कनाडा में है. देन इज क्रेटर लेक, जो कि वोल्केनो से बनते हैं, या जो वोल्केनो के बाद में लाइक वोल्केनो निकलकर जो होल बना देते हैं उसमें पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं क्रेटर लेक्स. इसमें जो सबसे है वो लेक टोबा है, जो कि इंडोनेशिया में है. एंड वी वेरी वेल नो कि इंडोनेशिया ने अभी उसकी कैपिटल भी चेंज की है जकार्ता से.
नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल में देखे तो लेक लेक कैरिबा है जो कि जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में है। फिर ओक्सबो लेक है जो कि मेंडर्स होते हैं उनसे कटे हुए जो लेक्स रहते हैं, वो लेक शिकोट है नॉर्थ अफ्रीका में। देन जस्ट वेट फॉर अ मिनट। फिर मेरे ने इसकी पीडीएफ ले रखी है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आई विल सेंड यू लाइक लेक्स की लोकेशंस का। ओके मैम, ठीक है, बिल्कुल। नाउ लेट्स कम टू द ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या होता है कि जो माउंटेन्स रहते हैं बर्फ से ढके हुए, उनमें से कुछ पार्ट उनका टूटता रहता है। तो दैट इज, अगर इसमें सबसे फर्स्ट जो लार्जेस्ट की बात की जाए, देन इट इज लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो कि एंटार्क्टिका में है। एंड देन इज सियाचिन ग्लेशियर, वो तो इंडिया के ये सेकेंड लार्जेस्ट है, इंडिया में ही है। स्मॉलेस्ट जो है, जो सबसे हम देखेंगे जो लार्जेस्ट है, वो सबसे फर्स्ट है लैम्बर्ट फिशर कैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। देन सेकेंड इज सियाचिन ग्लेशियर और थर्ड भी ये तजिकिस्तान का, एशिया का ये थर्ड भी पेट्सेंको ग्लेशियर। देन मेरी जो फर्स्ट है, सॉरी सॉरी एक्चुअली मैं खुद फिर से रिपीट करती हूँ। देन फर्स्ट है कैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, देन सेकेंड है हबर्ड। हम इसको एंटार्क्टिका में है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि कैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट्स का सबसे फर्स्ट लेटर है और ये फिशर भी फर्स्ट लेटर्स में ही आता है, तो वी कैन रिलेट लाइक दिस ना कि कैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर एंटार्क्टिका ये फर्स्ट है। सेकेंड है हबर्ट एलास्का जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। देन थर्ड है पेटचेंको जो कि ये अफ्रीका में है, तजिकिस्तान में। देन है सियाचिन ग्लेशियर, इंडिया का है ये, तो इंडिया का सॉरी सियाचिन ग्लेशियर। ओके सर, यही सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है लार्जेस्ट। बाकी ग्लेशियर्स के कुछ डिपोजिशन से बनते हैं और सर उसकी भी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी एट वेट, क्योंकि स्क्रीन शेयर में अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है डिवाइस पे। एंड वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइफो ग्लेशियर, ये काराकोरम माउंट पर है एंड इट इज इन जम्मू कश्मीर। बाइफो ग्लेशियर। ओके सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सर जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हैज गिव अ रियली गुड एक्सप्लेनेशन, बट आई थिंक दैट can I add some more points about lakes? For sure, you could. Yes sir. Actually, North America में 5 great lakes हैं. That is very important. और एक बार ही PYQ में आया भी था. Firstly, I will name them. 5 great lakes of North America. That is between USA and Canada. So they are Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, and Lake Ontario. इसमें एक PYQ एक था, आप अगर देखेंगे सर्च करेंगे तो, दैट इज सो कैनाल, SOO सो कैनाल एड्स विच ऑफ द टू ग्रेट लेक्स। दैट वाज द सीडीएस PYQ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज ऑफ 2014 और 16। आई विल पोस्ट इट इन PDF फॉर्म ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो ये था कि सो कैनाल कौन सी दो ग्रेट लेक्स को जोड़ती हैं, तो वो आपका हो जाएगा लेक सुपीरियर एंड लेक ह्यूरॉन। तो एक अगर हम इसको एक ट्रिक बना के देखें, जैसे ब्रिटिश एसेंट में इंग्लिश कैसे बोलते हैं, सो को वो लोग शो बोलते हैं, SOH। तो इस तरीके से हम ट्रिक बना, मैंने मतलब पर्सनली ट्रिक बनाई है कि लेक सो कैनाल जो होगी वो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन को कनेक्ट करती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लेक इन पांचों लेक्स में सिर्फ ओनली दैट इज लेक मिशिगन, ये सिर्फ USA में है और इसी के किनारे आपका शिकागो सिटी भी पड़ता है। बाकी और जो चारों लेक्स हैं ये आपकी बॉर्डर पे हैं, दैट इज USA एंड कनाडा के बॉर्डर पे हैं। वन मोर थिंग,
नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल्स ये जो है ये आपको लेक ओंटारियो और लेक एरे को कनेक्ट करता है, ये दोनों के बीच में है। दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड एस्पेक्ट टू आस्क इन द क्वेश्चंस। थैंक यू सर। ओके चलिए, तो लेक लेक से किसी का, हाँ जी बताइए। हाँ, लेक से किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। तो हमारे क्या क्या हो, उसमें से जो फ्रेश वाटर की लेक है वो कौन सी है, जो 5 लेक्स यस बताएंगे? फ्रेश वाटर लेक, हाँ दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर, आपकी ग्रेट लेक्स में है फ्रेश वाटर। यस, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए क्लियर किया। नहीं, ओके ओके फाइन। ओके, तो अभी नेक्स्ट ऋषि ऋषिकेश। हेलो सर। हेलो मैम, क्या हो गया था मैम? सर पता नहीं है कट हो गया, मेरे को ये भी समझ में नहीं आया कि कहाँ पे कट हुआ है। अच्छा, नहीं, कोई कोई बात नहीं। ओके, हम आगे चल पड़े। हमें लग गया था कि, हमें लगा कि शायद फोन वगैरह ऑफ हो गया या कुछ नेटवर्क इशू है। कोई ना, हम रिकलेक्ट करते हैं वहीं से। अभी हमने प्लेट्यूज हो गया है, प्लेन हो गया है, रिवर हो गए हैं, लेक्स हो गए और ग्लेशियर हो गया है। ठीक है, अंजलि मैम का माउंटेन वाला जो पार्ट बचा हुआ है वो हम वापस से लास्ट में रिकलेक्ट करते हैं। अभी ये बताइए कि अर्थक्वेक किसका था? सर माउंटेन में कहाँ तक हो गया था मेरा? मैं देख लेता हूँ, लास्ट में देख लेता हूँ। एक्चुअली वो चेक करना पड़ेगा मुझे, है ना ओके सर, क्योंकि जी। मैं पूरा खत्म करने के बाद में मैंने देखा यहाँ पे कि मैं ओ डिस्कनेक्ट हो माय चुकी हूँ। गॉड, ओ ओ रियली सॉरी सर। तो अरे नो नो नो, सॉरी फ्रॉम आवर साइड, पूरा एफर्ट। ठीक है चलिए, तो ऋषिकेश ने शेयर किया है, तो मैं ऑफ कर रहा हूँ। ऋषिकेश आप कंटिन्यू हेलो, करिए। हाँ हाँ जी, सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल है बड़े। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस हाँ यस हाँ हाँ विजिबल, विजिबल है बड़े। यस। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले अर्थक्विक होता क्या है। अर्थक्विक का एक बेसिक डेफिनेशन होता है कि इट इज अ हेलो हाँ अर्थक्वेक का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है कि शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू सडन एंड स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फियर विच इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ सेस्मिक वेव्स। तो इसके लिए अपने को ये सब लिथोस्फियर होता क्या है, फिर सेस्मिक वेव्स होता क्या है, इसके लिए अपने को जो अर्थ का कंपोजिशन है वो देखना पड़ेगा। तो अर्थ को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है क्रस्ट, फिर उसके नीचे है मेंटल, और उसके नीचे है जो सबसे इनर मोस्ट है उसको बोलते हैं कोर। तो जो क्रस्ट क्रस्ट होता है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है जस्ट, और मेंटल को जो सेपरेट करता है उसको अपन बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू मतलब जो है कि जो दो लेयर्स को जो है सेपरेट कर रहे हैं, तो जो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है उसको बोलेंगे मोह डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल और कोर को सेपरेट कर रहा है उसको बोलेंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और अपन ने जो जो ये लेयर्स है क्रस्ट मेंटल और कोर उसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। जो इसको फिर आउटर और इनर कोर को जो क्रस्ट को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं कोनार डिस्कंटिन्यूटी। फिर जब अपन 100 मीटर 100 किलोमीटर के आसपास पहुंचते हैं तो मेंटल आता है, तो मेंटल को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है जो कि आउटर मेंटल और इनर मेंटल। तो जो इस आउटर मेंटल और इनर मेंटल को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। जो अपना मैग्मा होता है जो वोल्केनोस का मैग्मा वो आउटर मेंटल से ही निकलता है। फिर जो कोर को जो आउटर कोर और इनर कोर को जो सेपरेट करता है उसको बोलेंगे लेमन बुलेन डिसकंटिन्यूटी। तो जो अपने सिस्मिक वेव्स होते हैं वो अर्थ के लिथोस्फीयर से निकलते हैं, और जो लिथोस्फीयर होता है अर्थ का वो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाया जाता है। तो ये जो क्रस्ट और अपर मेंटल है यहाँ से यहाँ पे लिथोस्फीयर होता है, यही से जो सिस्मिक वेव्स होती है वो जनरेट होती है। फिर जो जब सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है जिस पॉइंट से या फिर ओरिजिनेट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, या फिर उसी को बोलेंगे हाइपोसेंटर। और जब वो सिस्मिक वेव्स जो हर डायरेक्शन में फ्लो होती है जब वो अर्थ के सरफेस पे आती है
उसको बोलेंगे एपिसेंटर। फिर अगला जो अर्थ के जो काफी सारे टाइप्स होते हैं, अर्थक्वेक के जो काफी सारे टाइप्स होते हैं उसमें टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक अर्थक्वेक, कोलेप्शन अर्थक्वेक, फिर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक और रिजर्वायर अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो होता है वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के वजह से होता है, जब जैसे कि जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी तो उसके वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलेंगे। फिर जो वोल्केनिक अर्थक्वेक होता है वो वोल्केनिक इरप्शन के वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं वो वोल्केनिक इरप्शन में आते हैं। फिर जो कोलैप्स अर्थक्वेक होते हैं वो जो वेरियस रॉक्स जो है वो भी आपस में टकराते हैं, या फिर उसके बाद बीच में जो भी क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है उसके वजह से कोलैप्स जो अर्थक्वेक आते हैं। फिर अगला जो है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जो अपन अपने को टनल्स बनाने होते हैं तो उसके वजह से अपन न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगाते हैं तो उसके वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उसको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलेंगे। और जो रिजर्वायर अर्थक्वेक होता है वो जो अपन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अपन स्टोर करते हैं अगर डैम में तो उसके वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसके वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उसको रिजर्वायर अर्थक्वेक बोलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि अपने जो सिस्मिक वेव्स होती है वो कहाँ से जनरेट होती है, तो वो लिथोस्फीयर से जनरेट होती है, फिर क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है, फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेंटल में मिलता है और निकल और आयरन कोर में मिलता है। और लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होता है ये पूछ सकते हैं। फिर जो ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो हाइपोसेंटर या फिर फोकस, और जो अर्थ सर्फेस पे सिस्मिक वेव्स आती है तो उसको बोलेंगे एपिसेंटर। ओके, सो जो अब देखते हैं सिस्मिक वेव्स क्या होती है। तो सिस्मिक वेव्स टू टाइप की होती है, एक होती है बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। एक्चुअली दोनों सेम ही है, जब क्या होता है बॉडी वेव्स क्या होती है, जब अर्थ के बॉडी में जब वेव्स ट्रैवल करती है उसको बोलेंगे बॉडी वेव्स, और वही वेव्स जब अगर अर्थ के सरफेस पे आती है उसको बोलेंगे सिस्मिक वेव्स। सो बॉडी वेव्स दो टाइप की होती है, एक होती है पी वेव दूसरी होती है एस वेव। सो पी वेव का अपन 1 डिग्री वेव भी बोलते हैं या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। ये जो सबसे फर्स्ट टू रीच ऑन द अर्थ सर्फेस होती है, और पी वेव हर मीडियम में ट्रैवल करती है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में पी वेव ट्रैवल करती है, और जो इसकी वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में और सबसे कम गैसेस में होती है। अगली वेव जो है एस वेव, एस वेव का अपन ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। ये सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ सर्फेस होती है, जो कि कोर से पास नहीं करती है और ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, तो इसका स्पीड भी कम होता है, और जो ये ट्रैवल है सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। फिर अगली वेव जो है एल वेव या फिर सरफेस वेव, ये सबसे लास्ट टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस होती है, इसकी स्पीड सबसे कम होती है बस, बट मोर डिस्ट्रक्टिव होती है और ये सिर्फ सरफेस पे ट्रैवल करती है। फिर जो लास्ट वेव है वो रेलिंग्स वेव है, जो कि इलिप्टिकल मोशन फॉलो करती है, और जो अपने को फीलिंग आता है अर्थ शेकिंग का वो इसी वेव की वजह से आता है। फिर जो अपन सिस्मिक वेव्स होती है वो सिस्मोमीटर या फिर तो सिस्मिक वेव्स जो होती है वो सिस्मोमीटर या फिर सिस्मोग्राम में अपन मेजर करते हैं, और उसी का जो ग्राफिकल आउटपुट होता है वो सिस्मोग्राम में आता है। इसमें दो स्केल्स होती है, एक होती है राइचल स्केल और एक होती है मर्कली स्केल। जो राइचल स्केल होता है वो मैग्नीट्यूड को डिपेंडेंट होती है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होती है, और जो मर्कली स्केल होती है वो जो इंटेंसिटी होती है जो आफ्टर इफेक्ट होता है अर्थक्वेक के बाद वाला, उसको जो किस इंटेंसिटी से आया है उस पर मर्कली स्केल डिपेंड करती है। फिर जो अर्थक्वेक प्रॉन एरिया होते हैं जो सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पे वो सर्कमपेसिफिक बेल्ट है, यहाँ पे 68% ऑफ द अर्थक्वेक वर्ल्ड के यही पे आते हैं, जहाँ यही पे रिंग ऑफ फायर भी बनती है, जो कि अपना पैसिफिक ओशन हो गया, यूरेशियन या फिर इंडो ओशन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हो गए। फिर अगला जो है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यहाँ पे 21% ऑफ द अर्थक्वेक आते हैं, जो कि मिड पार्ट ऑफ यूरोपियन और एशिया से आते हैं, जो कि एलिप्स से या फिर एलिप्स से स्ट्रेच होता है हिमालयाज और म्यांमार तक। और जो सबसे कम अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है वो मिड अटलांटिक बेल्ट है, जहाँ पे 11% ऑफ द अर्थक्वेक आते हैं, जो कि आइसलैंड और अंटार्कटिका में आती है। सो और एक और इसमें एक टॉपिक आता है जो कि होता है शेडो जोन। शेडो जोन मतलब वही होता है कि कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे कोई वेव ट्रैवल ना करे,
तो पी वेव जो होती है वो सॉलिड लिक्विड और गैस में ट्रेवल करती है, तो पी वेव जब ट्रेवल करती है तो यहाँ पे जो है वो डाइवर्ट होती रहती है, तो उसके वजह से एक शेडो से जोन क्रिएट होता है। तो पी वेव का जो शेडो जोन है वो 105 से लेके 145 डिग्री तक के बीच में होता है, और जो एस वेव होती है वो जो कि सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, इसलिए जो एस वेव है वो 105 के बियॉन्ड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो जब फिर जो सिस्मिक जोन होता है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रोड रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन, देन ब्लू जोन और ग्रीन जोन। सो ग्रीन जोन मतलब वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है अर्थक्वेक आने का। फिर जो ब्लू जोन है जो कि MP, तेलंगाना और कर्नाटका ब्लू जोन में आती है। फिर जो कैलाश है और अपना वेस्टर्न हिमालय है वो येलो जोन में आता है, और जो अपना दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र है वो ऑरेंज जोन में आती है, और जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालय जो है वो रेड जोन में आती है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है कि जो पी वेव का शेडो जोन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 105 से 145 डिग्रीज के बीच में, और जो एस वेव होती है वो 105 के बियॉन्ड ट्रेवल नहीं कर सकती। और इस पेज में जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये बन सकते हैं कि कौन सी वेव होती है जो सबसे पहले जो सरफेस पे पहुंचती है, तो वो पी वेव होती है, और कौन सी वेव जो हर मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, तो वो भी पी वेव होती है, और जो सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव अगर पूछी जाए तो वो एल वेव होती है। और जो ये पूछ सकते हैं कि राइचर स्केल किस पे डिपेंड करती है, तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, और मर्क्यूरी स्केल डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, हम इसको वो पता कैसे करते हैं, जैसे हमने एरियाज डिवाइड किए हैं वो किस बेस पे डिवाइड किए हैं सिस्मिक जोन के, जैसे जोन वन जी। हाँ, तो इसके ऊपर अपन ये करते हैं ना, सिस्मोमीटर होता है, तो अपन उससे पता कर सकते कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, तो अपन उसके ऊपर से डिवाइड किया है कि भाई इसको एरिया में अगर पहले कुछ एक्टिविटीज हुई है, तो हम पास्ट रिकॉर्ड को देख के बता रहे हैं कि ये हमारे मतलब ये अलग है। ओके। हाँ। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, तो होते हैं वहाँ फोटोग्राफी डिवाइस लगा दिए जाते हैं, और जो पी वेव होती है वो सबसे पहले हिट करती है, तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है। रिपीट करोगे मैम, आपकी आवाज कट रही थी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। यस मैम, अब आ रही है। ये बोल रही थी कि जहाँ पे मतलब अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे हम सिस्मोग्राफी मतलब डिवाइस लगा देते हैं, और उसके बाद जो पी वेव होती है वो सबसे पहले सरफेस पे हिट करती हैं, उसके सेकंड वेव्स जो होती है वो एस वेव्स होती है, इस वजह से हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे अर्थक्वेक आया, ये इस वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं। नहीं, मैं जोन डिवाइडेशन पूछ रहा हूँ कि आपने किसी एरिया को जोन 2 में डाल दिया है, 1 में डाल दिया है, एक को जोन 5 में डाला है, क्यों डाला, रीजन है इसका, जैसे इसके पीछे रीजन क्यों है, मतलब वही उसे वो जोन 5 में क्यों है, वहां पे अर्थक्वेक कम आ रहे हैं, ये रीजन है कि इसके पीछे और भी कई रीजन है, ये पूछना चाहता हूँ। आई थिंक वहां पे शैडो जोन जो उन्होंने बताया ना उस बेसिस पे भी एरिया डिवाइडेड होते हैं कि शैडो जोन में नहीं आते हैं। नहीं, वो तो अर्थक्वेक के ओरिजिन पे डिपेंड करेगा ना, हर बार अर्थक्वेक का ओरिजिन जहाँ पे है उसके उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सेस्मिक जोन बेसिकली क्या होता है कि कहाँ पर कौन से वो आ रहे हैं, कि कितना ज्यादा, एक मिनट ना, एक मिनट ना, क्या हो रहा है, क्यों आ जाता है कल से, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों हो जाता है, हो गई रिकॉर्ड, क्यों ऐसे हो जाता, रिकॉर्ड नहीं करना ना, नहीं करना, वो क्यों आ जा रहा है, हेलो। हाँ सर, यस सर, ये जो सेस्मिक जोन आ रहा है ना,
सेस्मिक जोन इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं कि पहले क्या होता था, 5 सेस्मिक जोन है, तो वहाँ पर क्या होता था, कितनी इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं। इंटेंसिटी को, अभी इंटेंसिटी को नापने के लिए क्या मेजरमेंट बताया गया है, रिक्टर स्केल, ठीक है। दो हमने मेजरिंग देखे हैं कि रिक्टर और मर्करी स्केल, ठीक है, ये दोनों अर्थक्वेक से जुड़े हुए मेजरिंग यूनिट्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा जोन 5। मतलब उसमें इतनी हाई इंटेंसिटी होती है, अगर आपने देखा हो कि नेपाल में जो आया था, आपने, आप लोगों को याद है नेपाल? यस सर। अगर yes, नेपाल में जो आया था, नेपाल में बिल्डिंगें जमीन के नीचे घुस गई थी, ठीक है, मतलब आदमी तो छोड़ो, बिल्डिंगों का टूटना भी छोड़ो, बिल्डिंगें घुस गई थी जमीन के नीचे, जो कहते हैं ना कि धरती फट गई और हम समा गए, वैसा वाला, ठीक, उसी की जगह अगर आप देखें तो भुज में जो भूकंप आया था, भुज में सारा का सारा तबाह कर गया था, भुज में जो भूकंप आया था। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो नर्मदा वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं ना, ये हल्के फुल्के झटके आते हैं, मतलब आप अगर खाली बैठे हैं तो आपको फील हो जाएगा कि झटका आ रहा है, अदरवाइज अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अर्थक्वेक आकर चला गया। तो इस तरीके से ना डिवाइड किया जाता है, ठीक है, सिस्मिक जोन को, क्लियर हुआ? यस सर। ओके सॉरी सर, ये माउंटेन्स के टाइप पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि यहाँ पे फोल्डिंग माउंटेन है तो वो वाला रीजन अपन कौन से सेस्मिक जोन में डालेंगे, और इस तरीके से भी, हाँ, मैं क्योंकि वो भी मतलब न्यू यंग माउंटेन्स भी आते हैं, तो इस वजह से, हाँ, वो जो एक्चुअल क्या होता है, जो फोल्डिंग माउंटेन है हमारी दुनिया में, फोल्डिंग माउंटेन क्या है कि अभी कोई प्लेट है वो फोल्ड हो रही है, यस ना, तो प्लेट जब फोल्ड हो रही है तो वहां पर एक, जब भी जैसे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है हिमालय में, भाई हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, या दिल्ली तक झटके जो सुनाई देते हैं, नेपाल वो पूरा भूकंप में क्यों है, क्योंकि वहाँ पर प्लेट आपस में टकरा रही है। अब देखो, हो सकता है किसी जगह प्लेट बहुत हल्का सा टकरा रही हो, यस, बहुत हल्के से टकरा रही हो, कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि प्लेट टकराने के बाद बहुत हाई एनर्जी रिलीज कर रही हो, तो जहाँ पर प्लेट टकराकर हाई एनर्जी रिलीज करती है, फाइन, वहाँ जरूरी नहीं है कि माउंटेन ही हो, लेकिन हाँ, माउंटेन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये होता है कि अगर यंग फोल्डेड माउंटेन है तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होंगी। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब है प्लेट्स का आपस में टकराना, और जब भी प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब हम देखते हैं कि भूकंप आता है, यस, उसके लिए अच्छा माउंटेन वहाँ पर हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि माउंटेन होना ही होना चाहिए, ठीक, क्योंकि जापान है, जापान एक आईलैंड है ना, पूरा का पूरा आईलैंड है, और जापान में डेली के 4-5 भूकंप आते ही आते हैं, गॉट इट? यस सर। सो जापान भी तो रिंग ऑफ फायर में ही आता है ना? हाँ, वहां पर जो भूकंप आते हैं बेसिकली, वो भूकंप आते क्यों, क्योंकि रिंग ऑफ फायर में क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शन होता है। अब जरूरी नहीं है कि वो वोल्केनिक इरप्शन हमें दिखे, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन ऐसे होते हैं जो समुद्र में होते हैं, समुद्र के नीचे, लेकिन वहां से एनर्जी तो निकलती है और उसके आसपास के एरिया पर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जापान के साथ वही किस्सा है। यस सर। वन मोर थिंग सर। हाँ जी बताइए सर। ऋषिकेश भाई ने अभी बताया 5 सिस्मिक जोन, तो आई थिंक वो फर्स्ट एंड सेकंड मिक्स हो गए, एक ही में हो गए। हाँ, वो एक्चुअली जोन 2 सिस्टम। हाँ, वो है क्या कि जिस पहले क्या होता था कि जो ब्यूरो स्टैंडर्ड था वो क्या कर रहा था कि इंडिया में ना 5 सिस्मिक जोन उन्होंने बनाए थे, लेकिन अब उन्हें सेस्मिक जोन को सेस्मिक जोन को पूरा मैनेज करने के लिए उन्हें सिंपल करना था। तो अब देखो, जहाँ पर 5 सेस्मिक जोन है, ठीक है, वहाँ पर सेस्मिक जोन 5 ही रहने दिया उन्होंने। बस इतना किया कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर फर्स्ट ख़त्म कर दिया और उन्हें सेकंड से नंबर दिया, तो उनके लिए काम आसान हो गया कि जो जहाँ पर फर्स्ट जहाँ पर फर्स्ट लिखा था वहाँ पर सिर्फ उन्हें सेकेंड लिखना था। तो अब जो है ना, अगर हम काउंट वाइज देखें तो 2, 3, 4, 5 ये 4 इंडिया के अंदर सेस्मिक जोन है। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर हम गूगल वगैरह में या बुक में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है सेस्मिक जोन 5, हमने टेबल में देखा सेस्मिक जोन 5, तो दिमाग में वो रहते हैं कि 5 सेस्मिक जोन है। बेसिकली आज के समय में इंडिया में 4 सेस्मिक जोन है जिनका नंबरिंग है 2, 3, 4, 5। यस सर। ओके, और कोई डाउट, आगे चलें सर? वो
सो वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स वाला एक बार बता दीजिए, मतलब तीनों में इनके डिस्ट्रक्शन के लेवल पे। तो रिपीट करो फिर, ये तो टॉपिक से जुड़ा है ना। एक बार अगर भी एक्सप्लेन कर दीजिए। एक मिनट पहले ये डिस्ट्रक्शन वाला एक्सप्लेन करो सर। आई एम आस्किंग मतलब, अच्छा ऋषिकेश, तो जो सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है वो होती है एल वेव, जो सबसे स्लो भी होती है और सबसे ज्यादा सबसे लास्ट भी पहुंचती है, बट वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। और पी वेव जो होती है सबसे पहली पहुंचती है बट उतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है। ओके ओके भाई, गॉट इट। और कोई डाउट है क्या इस पर? सर रिक्टर स्केल का जो क्लासिफिकेशन है कि लाइक, एक मिनट हाँ दिव्या आप बोलिए पहले। सर रिक्टर स्केल का जो क्लासिफिकेशन है कि लाइक कितने मेजर वाले से ऊपर ज्यादा मेजर अर्थक्वेक होते हैं या कौन से माइनर अर्थक्वेक होते हैं, सर वो चीज ध्यान देनी है या नहीं? देखिए एक्चुअल रिक्टर स्केल जो है ना वो लॉगरिथमिक स्केल है, आपने लॉग पढ़ा है? यस है ना, तो उसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए कहीं पर भूकंप आया और भूकंप को मेजर करने के लिए एक सेंसिटिव एक सेस्मोग्राफ लगा होता है। सेस्मोग्राफ क्या करता है, लाइन खींचना शुरू कर देता है। अब क्या हुआ सेस्मोग्राफ में कि अगर भूकंप इतना आया कि वो सेस्मोग्राफ की जो लाइंस हैं वो 10 times बड़ी बनने लग गई, समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं कहता हूँ कि कहीं पर 2 सेस्मोग्राफ में रिएक्टर स्केल में 2 रिएक्टर का भूकंप आया और 3 रिएक्टर का भूकंप आया, तो उन दोनों में ना 10 times का डिफरेंस होता है, समझ आई बात? ओके सर। ओके हाँ जी आशा मैम आप कुछ पूछ रहे थे? सर शायद और रीजन एक बार फिर एक्सप्लेन करें। ओके ऋषिकेश, पास टू ऋषिकेश। हाँ सर। ओके सर, शैडो रीजन वही होता है कि जहाँ पे कोई वेव ट्रैवल ना करे, तो पी वेव का जो शैडो रीजन होता है वो 105 से 145 डिग्रीज के बीच में होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब वेव्स होती है वो अलग अलग लेयर्स से ट्रेवल कर रही है, तो उसके वजह से जब एक लेयर से जैसे कि क्रस्ट से निकली और मेंटल में पहुंची तो वहाँ पे क्या होता है वो डाइवर्ज हो जाती है, तो उसके वजह से एक शैडो रीजन बनता है। फिर पी वेव क्या होती है, वो जब सॉलिड से लिक्विड में जाती है तो अपने को मालूम है कि उसकी क्या बोलते हैं इंटेंसिटी कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी, तो फिर वो डाइवर्ज भी होगी, उसके वजह से जो शेडो रीजन बनता है। पी वेव का जो शेडो रीजन होता है वो 105 से 145 डिग्री के बीच में होता है, और जो एस वेव होती है वो सिर्फ अपनी क्या होती है सॉलिड में ट्रेवल करती है, तो इसके वजह से वो जब मेंटल से निकलती है तो कोर के बाद ही वो कोर का जो सब अपर क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर है वो सॉलिड से बना हुआ, जो लिक्विड से बना हुआ, इसके वजह से वो कोर में ट्रेवल ही नहीं करती, और इसलिए वो मेंटल के बाद बस 105 डिग्री के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती एस वेव। सर मतलब एपिसेंटर भी तो शैडो रीजन में आएगा? हेलो एपिसेंटर, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, यस एपिसेंटर कैसे आएगा शेडो रीजन में? शेडो रीजन का मतलब वो होता है जहां पर वेव्स का पहुंचना हो ही नहीं पाता है, ठीक है? तो मैंने एक स्लाइड शेयर करी है वो शेडो जोन वाली, तो उससे एक्सप्लेन हो सकता है शायद। एक मिनट मैं ट्राई करता हूं, अगर एक मिनट ना ये इसे कोई एक्सप्लेन करो, एक मिनट ना कॉल आ रहा है मेरी सिस्टर का, बाकी एक्सप्लेन करिए आप लोग कोई इनमें से। जैसे ये आपको फिगर दिख रहा होगा फोकस, तो जैसे उन्होंने बताया कि जो पी वेव है वो सबसे स्टार्टिंग में हिट करती है, तो हाँ वो स्टार्टिंग में हिट करती है, तो जैसे ये बीच में कोर है फिर उसके ऊपर आउटर लेयर है और फिर ऊपर है, तो जो पी वेव्स आती है वो साइड में डिस्ट्रैक्ट होती है, काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट होती रहती है लेयर से, इसलिए जो इधर जो रीजन पेंसिल से हो रखा है लिख रखा है यहाँ पर पी वेव शेडो जोन, वहां पर पी वेव पहुंच नहीं पाती, और जो दूसरा फिगर है
उसमें जैसे फोकस दे रखा है ऊपर ग्रीन पेन से और बीच में कोड दे रखा है, और जो शेडो वेव है एस वेव की जो शेडो जोन है वो 105 से लेकर 105 का शेडो जोन एरिया होता है। मतलब जॉइनिंग, हाँ अभी मम्मी को बता देना आकर 1 अप्रैल से। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, चलो तो प्रिपेयर करो। ठीक है ओके 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 बाय, कांग्रेस। आई थिंक शुभलक्ष्मी अंकल वो डाउट करती है, वो ईपी सेंटर से नहीं निकलती। हाँ ईपी सेंटर से नहीं निकलती वेव, जो मैं स्टार्टिंग में बता था कि जिस पॉइंट से ओरिजिन होता है वो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ओके तो फोकस से जो वेव्स निकलती है और फिर इसके वजह से जो किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं ट्रेवल करती है उसको बोलेंगे शैडो जोन। ओके हाँ फ्रेंड्स, तो क्या चल रहा था बताओ, सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस सर। ये चल रहा था कि अर्थ के बीच में, मतलब अर्थ के कोर से जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, और अर्थ के सरफेस पे जहां पर हिट करता है दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। नहीं तो इसमें मतलब डिस्कशन क्या चल रहा है, हो गया ये हाइपोसेंटर और इसमें ये सुब्लक्ष्मी मैम को दिक्कत ये थी कि ये शैडो जोन में आता है कि नहीं एपिसेंटर। ओके ठीक है चलो, तो ऋषिकेश का हो गया है। ठीक, सुनामी किसका था? सर नीकू का था सर। नीकू का वोल्केनो था, कहाँ है नीकू? नीकू दलाय यही हूँ सर। नमस्ते। नमस्ते, तैयार हुआ तेरा? जी तेरा टॉपिक तैयार हुआ? जी टॉपिक तो तैयार है, आपने और व्यू किया ना। हाँ हाँ चलो तो प्रेजेंट करें। आपको प्रेजेंट कर दूँ? हाँ हाँ वॉइस क्लियर है मेरा? ओके ऑल क्लियर भाई, ऑल क्लियर रियली। अरे आगे चलो। गलती हो तो माफ करना सर, पहली बार कर रहे हैं। अरे तू बिंदास बोल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ इस तरफ। बोल कहने वाले सर, ये स्क्रीन शेयर कैसे होता है? यार वो मुझे नहीं पता है, बताओ कोई भाई स्क्रीन स्क्रीन शेयर। हो गया था, वो हो गया था, बस अपना पीडीएफ खोल देना उसके बाद। ओके पीडीएफ ओपन कर दो। पीडीएफ खोलेंगे कैसे? पीडीएफ जहां बनाया है उस पर क्लिक करो ना। ऑन नेक्स्ट स्पेशल टाइप है, सेम प्रोसेस कीजिए आप, चलते रहिए। नहीं तो आप पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हम में से कोई भी शेयर कर देगा। आप पीडीएफ तो मैंने कर रखा है ग्रुप में सेंड, तो हम में से कोई भी शेयर कर सकता है। इसको हिंदी में बताओ या इंग्लिश में? अरे तुम भाई किसी को बता, हिंदी में बताओ, दोनों में बता दो। तुम हिंदी में बता लो, इंग्लिश में बता लो, तुम जिसे बताना कंफर्टेबली बता लो बस। चलो नीकू एक बात बता, कल अगर तू पार्लियामेंट में पहुंच गया बिहारी बोलेगा ना वहाँ, क्या करेगा फिर तू? बिहारी बोलेगा इतना कंफ्यूज करेगा सबको, स्पीकर तुझे बैन कर देगा। सही बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में तो बैन होना ही पड़ेगा। अबे चल अब स्टार्ट कर। ज्वालामुखी, ठीक है हिंदी में बोल कहने को बोलते हैं। ज्वालामुखी मुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार है जिससे पेडियम का भूतल का कोई भी आप में से ये देखो पंकज सर ग्रुप में मैंने सेंड किया है, आप उसे यहाँ पर शेयर कर दो कोई भी। और नीकू तुम बोलो। हाँ तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार है या मुख है
जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा गैस राख आदि बाहर आता है, ठीक है, और जिस ऊपरी परत पर जिससे होकर निकलता है उसे रैप्चर बोलते हैं। और ये ट्रिगर करता है सुनामी, सुनामी, फ्लैश फ्लड, अर्थक्वेक, मड फ्लो एंड रॉक फॉल्स। इसके तीन टाइप होते हैं मुख्यतः, सिंडर कोन वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो। ये मुख्यतः हॉट स्पॉट्स, डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्रीज एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे आते हैं मुख्यतः। इसका मेन पार्ट होता है मैग्मा चैम्बर, कंड्यूट, क्रेटर एंड स्लोप्स। ये हजार्ड मतलब नुकसान करता है लावा, जैसे लावा फ्लोज, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक गैस, क्लाउड एस फ्लोज फॉल्स एंड पायरोक्लास्टिक फ्लोज, एवलांचेस, सुनामी एंड मर्क्यूरी। इसके कुछ फायदे भी हैं जैसे ब्यूटीफुल सीनरी, फर्टाइल सॉइल्स, वैल्यूएबल मिनरल्स डिपॉजिट एंड जियोथर्मल एनर्जी। और ये अर्थ के हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर को रिसाइकल भी करता है। और इससे जो रॉक मतलब पत्थर तैयार होता है मैग्मा की रिएक्शन के बाद, वो सिल्का कंटेंट के बेसिस पे चार भागों में बांटा गया, जो जिसमें बेसाल्ट सबसे बेस्ट होता, और इसके बाद एंडासाइट, और इसके बाद डिसाइट, और लास्टली रायोलाइट। और जब वोल्केनो इरप्ट होता है उस समय टेम्परेचर 600 डिग्री से लेकिन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कुल जो ठंडे होने के बाद इग्नियस रॉक में बदलता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? मैंने शॉर्टली किया सब, ज्यादा इसको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर। हाँ तो इसका अब मतलब बड़ा छोटा या लार्जेस्ट जो सब है वो सब बताना, तो इसी बीच में कोई दिक्कत है तो किसी को बता देंगे। नहीं नहीं और ऑल गुड, ऑल गुड सर। हाँ तो इसमें मोस्ट एक्टिव जो है वो माउंट किलाउआ है हवाई आइसलैंड यूएसए में, और इसको फॉलो करते हुए माउंट एटना है, पीटन डीला है और फर्नेस है। और लार्जेस्ट वोल्केनो में मौना लाओ हवाई आइसलैंड से, हवाई आइसलैंड यूएसए। स्ट्रॉम्बोली स्ट्रॉम्बोली एक वोल्केनो है जो लिप्री आइसलैंड पे नॉर्थ ऑफ साइसिटी मेडिटेरियन सी में है, ठीक है, इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं। और हाईएस्ट नेवाडो ओजास डेल सजाडो जो एंडीज पर्वत पे अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर के पास है। इसका हाइट 6893 मीटर है। और इंडिया में ओनली वन बैरन आइसलैंड है अंडमान निकोबार में, जो ओनली एक्टिव इंडिया का ओनली एक्टिव आइसलैंड है वोल्केनो है। और एक माउंट कटमाई है जो अलास्का में यूएसए, जिसे वैली ऑफ थाउजेंड्स फ्यूमरोल्स भी बोलते हैं। तो मैंने इतना ही कवर किया जो इम्पोर्टेंट लगा हमको। हेलो सर, ओके गुड वन। हाँ ठीक है, तो बोलते हैं क्या मैं वोल्केनो से सर थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ? हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम बताइए। वो मतलब मेरे पास थोड़ा सा नोट्स थे बनाए, तो मतलब कुछ ऐसे ही सर मतलब एक्सप्लेन करना था, तो वो नहीं कि मतलब हेलो 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 हेलो
हाँ नीकू चुप रह दो। मेरे पास पुराने नोट भी है लेकिन मैंने उससे कुछ लिया नहीं है क्योंकि वो ज्यादा फास्ट लग रहा है हमको, मतलब ज्यादा फैला हुआ है। कोई कोई बात नहीं, तो म्यूट कर ले। शॉर्ट में ही सोचा। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा है ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट फिगर है ना यही पूछे जाएंगे। म्यूट कर लेने को तो माधुरी मैम आप बोलिए। ओके सर, तो मैं सर हिंदी और हिंदी में ज्यादा और इंग्लिश में थोड़ा कम करूंगी। मैम आप जिसमें कंफर्टेबल हो ना आप उसमें बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, सर वोल्केनो, जब वोल्केनो निकलता है तो कुछ पिघले हुए और टुकड़े भी निकलते हैं इसके साथ में, उन टुकड़ों को हम लोग टेफ्रा बोलते हैं। जब वोल्केनो धरती से निकलता है तो उसके साथ कुछ पिघले हुए टुकड़े भी निकलते हैं, उनको टेफ्रा बोला जाता है, और कुछ पिघली हुई बूंदे निकलती है उसको हम लोग किंडर बोलते हैं। फिर वोल्केनो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वोल्केनो होता है जो सेंट्रली इरप्टेड वोल्केनो होता है, और दूसरा होता है जो फिसर इरप्टेड वोल्केनो होता है। जो फिसर इरप्टेड वोल्केनो होता है ये सी फ्लोर स्पीडिंग के ऊपर, मतलब सी फ्लोर स्पीडिंग को ही हम लोग फिसर वोल्केनो बोला जाता है। अब वोल्केनो जो वोल्केनो होते हैं वो टाइम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला है एक्टिव वोल्केनो और तीन प्रकार के होते हैं, पहला है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनो और तीसरा होता है एक्सटिमेट वोल्केनो। जो एक्टिव वोल्केनो होता है ये ऐसे वोल्केनो होते हैं जो पहले कभी फट रहे थे और आगे भी मतलब इनके फटने की संभावना होती है, और डोरमेंट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में ऐसे वोल्केनो होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में भी फटते हैं, और एस्टिमेट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो कभी फटे थे पर ना तो ये प्रेजेंट टाइम में कभी फट सकते हैं और ना ये फ्यूचर टाइम में कभी फट सकते हैं, ऐसे वोल्केनो को हम लोग एक्सटिमेट वोल्केनो बोल सकते हैं। अब वोल्केनो जो ज्वालामुखी होता है इससे बनने वाली धरती के प्रकार मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है दो प्रकार से बनती, पहला है एसिडिक लावा और बेसिक लावा। जो एसिडिक लावा होता है ये 80% सिलिकॉन इसमें होता है और 20% मिनरल्स होते हैं, अदर मिनरल्स होते हैं, और जो बेसिक लावा होता है ये इसमें 35-40% जो होते हैं ये अदर मिनरल्स होते हैं, नहीं 35-40% इसमें सिलिकॉन होता है और 60% इसमें अदर मिनरल्स होते हैं। और एक्टिव लावा होता है इसमें सिलिकॉन ज्यादा होने के कारण यह गाढ़ा होता है इसलिए धीरे धीरे मूव करता है, और जो बेसिक लावा होता है ये इसमें सिलिकॉन कम होने के कारण इसकी स्पीड ज्यादा होती है। वोल्केनो वोल्केनो एक सेकंड सर, आई थिंक कि माधुरी मैम का कुछ नेटवर्क इशू है ना। अभी वोल्केनो हो गया, ऋषि का साइक्लोन हो गया था, और कोई टॉपिक बचा है क्या? ओशन करंट सर, रॉक्स नहीं, वो तो टॉपिक बहुत बचे हैं। ये जो हमने इनिशियल लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेजर फिजिकल फीचर, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर, ये हो गया। फिर मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिना जिसमें आता था अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो और साइक्लोन। फिर है वर्ल्ड क्लाइमेट, तो ये आशा मैम ने करवाया था, क्लाइमेट एंड सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेट रीजन और क्लाइमेट चेंज एंड इट्स अफेक्ट। ठीक है, तो वो तो इसी में कवर हो गया था, तो आई थिंक ये सारे कवर हो गए। सुनामी वहां से पैदा होती है, बेसिकली वो एनर्जी निकलती है। जैसे कि ये देखो आप किसी नदी या पोखर के बीच में आप एक पत्थर मारते हैं तो लहरें कोने किनारे की तरफ आती है ना, तो वैसे ही होता है कि जब समुद्र के नीचे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस वोल्केनिक इरप्शन से जो एनर्जी निकलती है, अब वो समुद्र की एनर्जी है तो उसकी लहरें भी हम लोग
अब हम समुद्र के कंपेयर में कितने छोटे हैं, तो सुनामी जो आती है वो बेसिकली उसके लिए वो लहर है नॉर्मल सी, पर वो हमारे यहाँ कई कोस्टल रीजन को निपटा देती है। तो सुनामी पर दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहला सुनामी किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये जापानी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सुनामी कहाँ से पैदा होती है, वो अंडर वाटर से पैदा होती है, ठीक है। वो जो अर्थक्वेक आता है ना समुद्र के नीचे, या फिर वोल्केनिक इरप्शन, मतलब कोई भी एनर्जी अगर निकले और इस तरीके का क्राइटेरिया बने, इतना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। अंजलि मैम, अंजलि मैम आप हैं? सर ओशन करंट भी इसी को ही बोलते हैं? नहीं नहीं, ओशन करंट इसे नहीं बोलते मैम, वो एकदम अलग है। हम क्या करेंगे जब नेक्स्ट, अभी क्लाइमेट इन सब टॉपिक के बाद ना, क्लाइमेट ओरिजिन मॉनसून एल नीनो, और इसी में आपका आएगा जस्ट अ मिनट ना, मैं देख लेता हूँ सिलेबस में, देख कर बता देता हूँ। सर हाँ जी, ये भी तो है कि अभी अभी टोंगा टोंगो वोल्केनो इरप्ट हुआ था क्योंकि मेसोस्फीयर की लेयर तक पहुंच गया था, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो वर्ल्ड का अब तक सबसे लार्जेस्ट वाला वोल्केनो है। ओके, क्या नाम था? टोंगा वोल्केनो सर, टोंगा टोंगा टोंगो। Actually, this is in the South Pacific Ocean. South Pacific Ocean, that is east of Australia. Hunga Tonga volcano. Tonga Tonga ya Hunga Tonga? Sir, it's just Tonga. T-O-N-G-A. Tonga. Okay. Hunga Tonga. I've just seen on Google. Full name na Hunga Tonga. Okay, but it's famous just with Tonga. T-O-N-G-A. ठीक है, बस इतना इतना ही याद रखना कि टोंगा वोल्केनो है, और ये है कहाँ पर? साउथ पैसिफिक ओशियन, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जाएंगे तो वहां पर है। मैंने इसको मार किया था, ये अभी रिसेंटली था न्यूज में। सो ओके सर, ठीक है। तो फिर चलो, ये तो कवर हो गया। अंजलि मैम का बीच में माउंटेन वो रह गया था, है ना? तो अंजलि मैम है क्या क्लास में? यस सर। ओके मैम, आप एक बार वो स्लाइड ओपन कर देंगे क्या, शेयर कर देंगे, तो हम बता देंगे कहाँ तक हुआ था। जी मैम, एक मिनट ना, इसके आगे चलिए, और आगे चलिए। ब्लॉक माउंटेन से आपको शुरू करना था। ओके सर जी, कंटिन्यू करिए। तो सर यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स जितने भी ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो मैंने इसमें यहाँ पे दे रखे थे। तो इसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ अमेरिका का सिरिया नेवाड़ा माउंटेन, और देन यूरोप में आता है जर्मनी के हर्स माउंटेन, देन राइन वैली माउंटेन्स। राइन वैली यहाँ पे पूरी जो राइन रिवर फ्लो होती है जर्मनी में, उसके पास में जो भी माउंटेन है, माउंटेन रेंज है यहाँ पे राइन वैली की, ये ब्लॉक माउंटेन में आती है। देन फ्रांस का है वोगेस माउंटेन, जो कि यूरोप में है, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। देन इंडिया में सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन रेंज, ये दोनों फेमस है ब्लॉक माउंटेन के लिए। देन अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली, ये यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ी सी वैली है अफ्रीका की, जो कि ब्लॉक माउंटेन में आती है। देन हाँ, इंडिया में कुछ अलग अलग टाइप्स के माउंटेन हैं। तो सबसे पहला तो फोल्ड माउंटेन, जैसा कि हमें पता है कि हिमालय को अपन यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। देन रेसिडुअल माउंटेन्स होते हैं, जो इसमें इसका एग्जांपल है नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे मैंने फोटो भी डाल रखी है इन सभी की।
ये अपना नीलगिरी पर्वत है, देन ब्लॉक माउंटेन तो मैंने अभी आपको बताया सतपुरा और विंध्याचल, एंड जो भी सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट्स हैं इंडिया के वो सब इसमें आते हैं। देन वोल्केनो इंडिया का एक ही है, बैरन आइलैंड अंडमान सी में, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। एंड देन केदार डोम पीक, ये केदार डोम पीक है जो कि डोम माउंटेन का एग्जाम्पल है, जो कि गढ़वाल रेंज के रीजन में आती है उत्तराखंड में। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, मैम। देन जो मेजर रेंज है माउंटेन की वो मैंने इसमें दे रखी है। तो सबसे पहले आता है नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज माउंटेन, जो कि अलास्का कनाडा और यूएसए को कवर करते हैं। देन अल्पाचाइन माउंटेन, देन सेरी सेरा नेवाडा, देन सेरा माद्रे, ये हैं। देन उसके बाद में साउथ अमेरिका में आता है एंडीज माउंटेन, जो कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। ये 7,000 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड देन यूरोप में आता है अपना प्रेनीज, देन एल्प्स माउंटेन यहाँ पे, और ये एल्पाइन्स है यहाँ पे, देन स्कैंडिनेवियंस है, देन यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन ये एशिया और यूरोप की बाउंड्री भी इसे कहा जाता है। और देन कोकेशियस माउंटेन है, देन टॉरस माउंटेन है, देन यहाँ पे अफ्रीका में आता है एटलस माउंटेन। फिर एटलस माउंटेन जो है अफ्रीका का लॉन्गेस्ट अनब्रोकन रेंज इसको कहा जाता है। देन यहाँ पर आता है रुवेनज़ोरी माउंटेन्स, देन ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स। फिर एशिया में आ जाता है अपना अल्ताई माउंटेन, ये मोरक्को के पास में, मोरक्को चाइना के बॉर्डर पर है। देन टेंशान माउंटेन ये यहाँ पर है। देन काराकोरम रेंज है अपनी, देन हिमालयन रेंज है अपनी, देन हिंदू कुश है अपना यहाँ पे, एंड जागरोस रेंज है अपनी यहाँ पे ईरान के पास में, देन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है अपने, और फिर आ जाता है अपना ऑस्ट्रेलिया के पास में मैकडोनल्ड रेंज, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। फिर ये रेंज ना पूछ ली जाएंगी कि कहाँ पर है, तो ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना। मैम आप कंटिन्यू करिए। यस देन यूरोप में अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस रेंजेस हैं वो तो है अपनी है एल्प्स, फिर प्रियनीस, देन कोकेशियस माउंटेन्स एंड दिनार दिनारिक्स, एंड कार्पेथियन माउंटेन्स। तो इसमें जो एल्प्स माउंटेन है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ब्लैंक, देन प्रेनीस का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो अनीटो है, देन कार्पेथियन माउंटेन्स में आता है गार्ले चोवेस्की, देन कोकेशियस माउंटेन जो कि रशिया जॉर्जिया के आसपास है वहाँ पे आता है अपना माउंट एल्ब्रस, देन डेनारिक एल्प्स में आता है अपना माजा जेसरिक, एंड देन आता है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स में अपना है कैबने कैश कबना कैश, और देन आता है स्कॉटिश हाईलैंड में आता है अपना बैन नेविस, देन अल्पाइन माउंटेन्स में अपनाइन माउंटेन्स में
आता है कॉर्गो ग्रांडे, देन ब्लांका माउंटेन में आता है अपना है बोटेफ पीक, देन डोलमाइट रेंज में आता है अपना मार्मोलेंड्स मार्मोलेंडा। तो इसमें यहाँ पे इटली में जो मेन वोल्केनोज हैं अपने माउंट एटना और माउंट स्टॉम्बोली, ये मेजर है जो कि अपने को याद रखने हैं। देन उसके बाद में आता है एशिया, तो एशिया में हिमालय की हाईएस्ट पीक है अपनी माउंट एवरेस्ट, देन काराकोरम रेंज का है अपना K2, देन हिंदू कुश में आता है त्रिच मीर, देन यूराल माउंटेन का है माउंट नोराद्या, देन अल्टाई माउंटेन में आता है बेलुखा माउंटेन, देन तेनशान में आता है अपना जेंगिश माउंटेन, देन पामेर माउंटेन में आता है अपना कुंगर तांग ताग, देन कुनूल माउंटेन में आता है अपना लुशाई शान, देन वेस्टर्न घाट का अपना हाईएस्ट पॉइंट है अनाई मुड़ी, देन कोकेशस माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट है अपना माउंट एल्ब्रुस। देन अफ्रीका का सबसे जो बड़ी रेंज जो है मतलब लॉन्गेस्ट अनब्रोकन रेंज जिसको कहा जाता है एल्डस माउंटेन माउंटेन एटलस माउंटेन्स को, इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट टुपकार, ये इसका स्ट्रेच है 1600 किलोमीटर्स का जो कि वेस्टर्न सहारा से चालू होता है और जाता है ये मोरक्को अल्जीरिया और टूनिशिया में तक। फिर आता है अपना ड्रेकन्सबर्ग, इसका है अपना तबाना नतलियाना नतलियाना, इसके बाद में आता है इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन हाईलैंड्स में आता है अपना माउंट अबूना यूसेफ, देन महार माउंटेन का आता है इसमें दरीबा कैलडेरा, देन माला मगालेशबर्ग में आता है अपना नोटिक दाज, देन नूबा माउंटेन्स का है इसमें, नूबा माउंटेन्स में नहीं है इसमें, यही सबसे हाईएस्ट है नूबा माउंटेन ही हाईएस्ट है इसमें, देन रेंजवेरी माउंटेन्स रहते हैं इसमें, माउंट स्टैनली है इसका हाईएस्ट पॉइंट, देन सेमियन माउंटेन्स जो है यूथोपियन हाईलैंड्स के हैं ये भी, इसका है रास दशेन, देन स्वार्टबर्ग में आता है स्वेवेक्षी ओर्थेपिक, देन इसमें विरुंगा माउंटेन्स का है माउंट क्रिसिम्बी। देन इसमें नॉर्थ अमेरिका में अपना आता है एक तो अलास्कन रेंज है अपनी जो कि यहाँ पर है अलास्कन रेंज ये, और इसमें है हाईएस्ट पीक इसकी माउंट देनाली, देन कैनेडियन रॉकीज का है माउंट रॉबसन, देन
अल्पाचीन माउंटेन्स का है माउंट मिशेल, देन कास्केड रेंज का है माउंट रेनर, देन ग्रेट स्मोकी का है क्लिंगमैन्स, एंड देन ओलंपिक माउंटेन्स का है माउंट ओलंपस, देन रॉकी माउंटेन्स का है माउंट एल्बर्ट, देन सियरा माद्रे जो मैक्सिको में है उसका है सेरो पोतोसी, देन सियरा नवाडा का है माउंट विटनी, एंड देन वाइट माउंटेन्स का है माउंट वॉशिंगटन। यहाँ पे मैंने मैप भी दे रखा है तो वो सारे आई डोंट थिंक कि सारे इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट को पॉइंट आउट करेंगे तो वो इजी होगा। मैं बता दूंगा, मैं लास्ट में बता दूंगा है ना। अभी क्या है कि एक जगह ना, हाँ आप पहले कंप्लीट कर लो। ओके सर। देन साउथ अमेरिका का है एंडीज, तो एंडीज को बोलते हैं अपन लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पूरा स्ट्रेच जो इस तरीके से रहता है यहाँ पे, और इसको है ना तीन अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला इसका आता है ये ट्रॉपिकल एंडीज, क्योंकि यहाँ पर रहता है, देन वेट एंडीज, एंड देन ड्राई एंडीज, मैं ये तीन तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एंड एंडीज जो है ये इट इज़ अ होम ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो, जो कि यहाँ पर है ओजस डेल सलाडो, आप देख सकते हैं यहाँ पे चिले की बाउंड्री पर है, चिले और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर। देन यहाँ पर है माउंट अंकागुआ, यहाँ जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है एंडीज की। देन इसमें इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के हिसाब से बता देती हूँ सबसे, बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है जो भी है अभी मैंने आपको बताए हैं, एंडीज और सेरा नवाडा की है इसमें, पीको साइमंस है। देन कॉर्डिला ब्लांका में आता है हॉस्कारन, देन कॉर्डिला ऑसिडेंटल में आता है अपना नेवाडा समाजा, नेवाडो समाजा, देन सेरा दो मारा में आता है अपना पीको पराना, इसमें और कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं इम्पोर्टेंट। देन ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना की जो मेन रेंजेस हैं वो मैंने इसमें दे रखी है। तो सबसे पहला तो अपना आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का इम्पोर्टेंट है हाईएस्ट पीक कोजियोस्को है इसमें, देन ब्लू माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया के जिसका है माउंट रैंगो हाईएस्ट पॉइंट, देन इंडोनेशिया का है सुदीरमान रेंज, उसका है पुका जाया, देन न्यूजीलैंड का है सर्दर्न एल्प्स जिसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कुक, और इसको और माउंट ओराकी भी बोला जाता है। देन ओवन स्टैनली रेंज है पापुआ द निगिनी का, इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट विक्टोरिया। अब देखो जैसे ना इसमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना, तो जब भी आप इसे सुन रहे होंगे तो सुनते टाइम क्या करिएगा कि आपको ये तो पता है इम्पोर्टेंट क्या है ना, तो उन पर एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। ये जो प्रेजेंटेशन था ना ये एक जगह कंसाइज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ है। चलिए सो थैंक यू सो मच। मैंने टेलीग्राम पे भेजी एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज। ओके मैम, हाँ जी बताइए। सर
प्लीज मुझे कोर ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ओके मैम, ओके ओके। एक बार ना आप मुझे एक बार और मैसेज पिंग कर दीजिएगा, अभी मत करिएगा, आप मुझे ना मैसेज पिंग करिएगा 3:30 बजे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हुई थी। हाँ मैम, मैं वो शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके चलिए, तो फिर ओवर करते हैं आज का पॉडकास्ट। जो नेक्स्ट कल के टॉपिक, हाँ हाँ, कल के टॉपिक्स के लिए मैं पहले फोटो शेयर कर दूंगा, ठीक है? फोटो शेयर करने के बाद आप एक बार ना उन्हें, हाँ एक बार ना आप उन्हें, अच्छा रुको एक मिनट, चलो सर कल के सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा सारे। अच्छा सारे नहीं पढ़ाएगा, मैं भी पढ़ाऊंगी। ओके चलो, मैं एक मिनट ना मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर अंजलि या हर्ष जो भी हैं यहाँ पर ना एक बार ये फोटो शेयर कर दीजिएगा, जिससे इसे एक बार यहाँ पर शेयर करिए कोई। फाइन, तो ये टॉपिक सभी को दिख रहे हैं ना? यस सर। ज्योग्राफी ऑफ ज्योग्राफी मेजर फिजिकल फीचर आता पढ़ाएगी सारा बोल रही थी वो। अच्छा तो अब ये बताओ इसमें से कौन सा किसे लेना है? फिजिकल टॉपिक दिख रहे थे तो मेरे ऊपर डाल रहे हैं। तो अब बताओ कि कौन से कौन पढ़ाएगा? सर मैं क्लाइमेट पढ़ा सकती हूँ, करंट्स, ओशन करंट्स, ओरिजिन ऑफ मॉनसून, एल नीनो वगैरह। ठीक है, तो आपने कहाँ पर है? ठीक है, तो एल नीनो, ओरिजिन ऑफ मॉनसून, सीजन, ठीक है, तो क्लाइमेट पूरा आशा मैम की जिम्मेदारी है। और सर हाफ डिवाइड कर दीजिए ना, बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। अच्छा, आप हर्ष कवर ठीक कर है, तो हर्ष हर्ष इसमें से एक मिनट को हर्ष क्या सर मेरा फिजिकल वाला दीजिएगा मेजर। सर मैं फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा जूम कर दीजिए प्लीज, मुझे तो प्रॉपर्ली जूम तो आप अपने उसमें कर लीजिए। ठीक है मैम, तो मेजर फिजिकल फीचर दिव्या मैम का, एक मिनट मैं इसे नोट कर लूं। तो सर मैं सॉइल और रॉक्स पढ़ाऊंगी। ओके मैम ठीक है, तो और फिजिकल डिवीजन हर्ष का हो गया, क्लाइमेट हो गया आशा का, ठीक है, टाइप्स नेचुरल, हाँ आपने क्या बोला माधुरी, रॉक एंड मिनरल्स, रॉक सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए माधुरी के। फॉरेस्ट सर, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट आप कहाँ रह गया? फॉरेस्ट नेचुरल। ओके फाइन फाइन, कौन किसने बोला फॉरेस्ट? अनु। ओके ठीक है, डन अनु। तो फॉरेस्ट सर मैं फिजिकल में मैं क्या करा रहा हूँ, सारे करा रहा हूँ मैं। तो तू बता क्या क्या करवाएगा? आई कैन मतलब मैं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली दिव्या मैम भी फिजिकल के लिए बोल रही थी। नहीं नहीं, वो तो मेजर फिजिकल, देखो माउंटेन प्लेटू प्लेन्स, तो ना फिजियोग्राफिक डिवीजन बता रहा है ना जो वो, हाँ जो ऊपर से 5-7 डिवीजन है ये। सर मैं जैसे हिमालयस है, पेनिनसुला प्लेन है, इंडियन डेजर्ट, मैं ये वाले टॉपिक्स बोल रही थी। हाँ नहीं, ये जो आपने माउंटेन प्लेटूज प्लेन है ना, देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाला देख रहे हो मेजर फिजिकल फीचर, तो इसमें आता है जैसे नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, साउथ इंडिया का कौन सा है, साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, या नॉर्थ या फिर जैसे हिमालय है ना, तो कौन सा सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, मतलब सिर्फ जो माउंटेन की ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन इसमें जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न आता है ना, तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न में आ जाता है जैसे हिमालय है, तो हिमालय का वर्टिकल डिवीज़न कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न कैसा होगा, शिवालिक हिमालय है, ठीक है, वो क्या है, ग्रांड, तो ये वाला मैं पढ़ा दूंगी। अच्छा ठीक है, तो ये एक्चुअल फिजिकल फीचर्स मैं ले रहा हूँ मैं, मतलब जैसे माउंटेन पीक मेन मेन जो रहेंगे। ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, यस सर, दिव्या मैम और हर्ष एक दूसरे को कांटेक्ट कर लें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिवाइड कर लें, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है?
तो ये कंप्लीट टॉपिक है, तो आप दोनों आपस में डिवाइड कर लो, बस हमें प्रेजेंटेशन के टाइम बता देना आपकी आप क्या टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना हो गया सर। एक ओरिजिन ऑफ अर्थ वाला जो था ना, यूनिवर्स वाला, वो टॉपिक भी मैं कर दूं? कौन, दिव्या मैम? आप? यस सर। मैम वो तो आप डिस्कस कर लीजिए, आप फर्स्ट से डिस्कस कर लीजिए, आप जो बोल रहे हैं ना जी। नहीं वो टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मैम एक्चुअली ये मोस्ट मोस्ट फर्टाइल टॉपिक है, मैं आपको बताऊं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में अगर पिछले 7-8 साल में क्वेश्चन नहीं आया होगा ना, तो वो इसमें नहीं डला है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में जो थ्योरीज हैं वो शायद हमें, ठीक है ओके डन, आप करवाइए। ओके नहीं नहीं आप ये करवाइए जी, बताइए सर ये वाटर वाले टॉपिक में क्या क्या कवर करना है? कौन से वाटर वाले में? सर ये वाटर फॉरेस्ट, क्योंकि सोइल रॉक्स एंड मिनरल्स तो किसने लिया है? आशा माधुरी, माधुरी ने लिया है। माधुरी ने, बाकी फॉरेस्ट आपने लिया है अनु। सर वाटर भी मैं साथ में कवर कर लूंगी, हाँ। बता दीजिए इसमें क्या क्या वाटर में, वाटर में ये कवर होगा कि वाटर एज अ रिसोर्स कहाँ यूज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर है, ठीक है? तो रिवर पर कौन कौन से क्वेश्चन इंडिया में आ सकते हैं? फाइन, रिवर्स एंड वेटलैंड्स भी ले सकते हैं। हाँ तो वाटर से जुड़ा हुआ जितना भी है, जैसे कि सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक, सबसे बड़ा स्वीट वाटर लेक इंडिया का कौन सा है, फिर उसके बाद अभी जो सॉरी कि डैम्स कहाँ पर हैं, क्या है, फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा स्पेशल है, कोई कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, और फिर उसके बाद वाटर वेज, ठीक है? जो वाटर वेज का कंसेप्ट चल रहा है सर, रिवर सिस्टम भी इसी में आता है ना, ये इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम? नहीं, ये फिजियोग्राफिक में आएगा, जो आप लोगों ने लिया है ना रिवर सिस्टम उसमें आएगा। ओके सर, ड्रेनेज वाला जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम करके, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि पूरा एक्चुअल रिवर सिस्टम का क्या है कि रिवर सिस्टम दो इम्पोर्टेंट पार्ट में डिवाइड होता है, अलग से इसमें दिया नहीं गया है रिवर सिस्टम, बट मैं बता देता हूँ। एक तो आपके नॉर्थ इंडिया रिवर सिस्टम है और एक साउथ इंडिया रिवर सिस्टम है, ठीक है? एक मोटा मोटी ये, फिर नॉर्थ इंडिया में जैसे आपका ऊपर से शुरू होता है इंडस रिवर सिस्टम, हाँ, फिर नीचे गंगा, हाँ, फिर गंगा वाला, गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्र, हाँ, और फिर ब्रह्मपुत्र, तो ये तीन मेजर है। इसी तरीके से साउथ इंडिया में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, और इन बिटवीन वो जो नर्मदा पड़ता है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है? तो नर्मदा अपना डिवाइडिंग रेंज हो जाती है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है? ठीक है, ये भी मेरे वाले टॉपिक में कवर होएगा ना? हाँ हाँ। ये मिनरल्स क्या होते हैं मुझे बता दीजिए। मिनरल्स कैसे? वो आप ढूंढिए, अभी अभी तो कुछ भी नहीं मैं बता पाऊंगा, ठीक है? ओके सर, ढूंढिए। हाँ जी सर, क्लाइमेट में मेजर टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं, जैसे एल नीनो, ला नीनो हो गया, और ओरिजिन ऑफ मॉनसून होगा, साउथ रोटेटिंग मॉनसून जी, ओरिजिन ऑफ मॉनसून की जो थ्योरीज है, ठीक है? वो आप देखेंगे तो आपको थ्योरीज वाले पोर्शन में मिल जाएगा। फिर एल नीनो का जो कंसेप्ट है कि एल नीनो आखिरकार वो फिनोमेना बनता कैसे है, फिर उसके बाद क्लाइमेट एंड सीजन में क्या डिफरेंस है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और इंडिया में अलग अलग सीजन कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद इंडिया में रेनफॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और उसकी वजह से क्लाइमेटिक रीजन कौन से हैं, अगर कोई एरिड रीजन है तो वो क्यों है, सेमी एरिड है तो क्यों है, या फिर कोई कोल्ड डेजर्ट है तो क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है? बाकी जो थोड़ी बहुत चलिए डन, ठीक है? तो आप दोनों का हो जाएगा, ठीक है? तो पारशर एंड आप आशा मैम, ठीक है? तो आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? चलो तो फिर कल मिलेंगे इसी के साथ, ठीक है? सर फिर मैं पॉपुलेशन ले लेती हूँ। मैम अभी पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी, ठीक है? तो ये पॉपुलेशन के जो ये टेक्निकल टर्म है ना, कि इसमें मेन मेन कैसे पूछा जाता है, इसमें मेन ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन पूछ सकता है, या कोई एक्स फैक्टर, सेक्स रेशियो क्या होता है, लिटरेसी, लिटरेसी में कहाँ पर सबसे ज़्यादा, कौन सा सबसे कम, माइग्रेशन के कितने टाइप है, रिवर्स माइग्रेशन पूछा जा सकता है क्योंकि कोविड की वजह से, और रूरल अर्बन पॉपुलेशन अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और बताओ। बस डन, बस सर। सर फूड प्रोसेसिंग भी करना है क्या? नहीं, फूड प्रोसेसिंग का ना जो सर आप बोल दो तो कर दूंगी मैं वो भी। ओके, ये आपको मिल जाएगा? यस सर। ठीक है, तो फिर एक काम करिएगा आप,
आप इसे तैयार करिएगा, और बाकी सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ना हेडेक मत लेना, ठीक है, आराम से इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्वीट रखना, जो भी कुछ ऊपर नीचे होगा वो मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो ओके सर, अब क्लास ओवर करते हैं। सर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट किस टॉपिक में आएंगे? फॉरेस्ट वाला मैं वो किसी में भी आ सकते हैं, देखिए जैसे बेसिकली अलग से आप फॉरेस्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक, या आपको रिसोर्सेज में इंक्लूड करना हो आप रिसोर्सेज में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा है क्योंकि इंडिया में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद स्टेट को लेकर फॉरेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हम हिस्ट्री में, फॉरेस्ट हम एनवायरनमेंट में भी पढ़ लेते हैं, फॉरेस्ट हम ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो बहुत मतलब एकदम क्रिस्प, बस ये है कि अपने को पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके सर, ठीक है, तो आप लोग तो तैयार कर कर आइए, कोई नहीं अगर रिपीटिशन हो जाएगा सेम चीज को लेकर तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।